हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा IBPS SO 2017 के कुछ रियल क्वेश्चंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि IBPS SO के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊँ। तो ये 2017 के क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली मैं 2018 के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊँगा इस चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो क्लास में मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये पार्ट वन है, और आगे के पार्ट्स मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा इस चैनल पर। तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। IBPS SO के ये क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन पाथ है, ठीक है, और ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑप्शंस दिए हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के, ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपका आंसर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझनी है। ये है डायरेक्शन पाथ, ये है एक्चुअली रियल क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। और चूंकि ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है और पूरा एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से लेके एंड तक, मॉडिफिकेशन तक, और इस पूरे एक सेंटेंस में कुछ पार्ट को बोल्ड किया गया है, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। यदि यदि ये पार्ट, यदि ये बोल्ड पार्ट आपको लगता है कि ग्रामेटिकली गलत है या कॉन्टेक्चुअली गलत है, तो इसको आपको इम्प्रूव करना है इन ऑप्शंस के थ्रू, ये जो ऑप्शंस नीचे दिए हैं, और इसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर आपका बनेगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस यदि आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो है रीडिंग। और रीडिंग भी रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, और रीडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने सुपरफिशियली किसी चीज़ को पढ़ा, ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को पढ़ा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन करना है, आपको रीडिंग विद एनालिसिस करना है, उसको समझते हुए जाना है। सारे वर्ड मीनिंग्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको आपको डिक्शनरी में देखना है, ऑनलाइन डिक्शनरी में, और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हैं, उस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, उस वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं, इडियम बन सकते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ जिस समय आप रीडिंग करते हैं, जिस समय आप तैयारी करते हैं। तो उस समय आपको जो रीडिंग करनी है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करनी है, और एनालाइज करना है, वोकेबलरी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयार करना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो इस तरीके से रीडिंग आपको करनी है, और रीडिंग आपको करनी है तो रीडिंग में द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम आप पढ़ सकते हैं। शुरू में आपको काफ़ी टफ लगेगा, डेफिनेटली आपको काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। तो एक आर्टिकल आप उठाइए, केवल एक आर्टिकल आपको लेना है और उसी एक आर्टिकल को पूरे दिन पढ़ना है, उसी को एनालाइज करना है, उसी के वर्ड मीनिंग्स देखना है। तो इस तरीके से यदि आप रीडिंग करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है और यदि आपकी रीडिंग नहीं है तो देखने में ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ से देखते हैं। एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स इम्प्लॉजिबल दैट सच एन इंट्रिकेटली इंजीनियर्ड बायो सिस्टम सच एज आर कुड हैव कम अबाउट मेयरली एज ए रिजल्ट ऑफ रेंडम मॉडिफिकेशन। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही दिक्कत आई, पढ़ने में उनको काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन जब आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे। अब देखिए, यदि इस पूरे सेंटेंस को देखें तो कितने सारे इसमें वर्ड मीनिंग्स हैं जो नॉर्मली हो सकता है स्टूडेंट्स को ना आते हों। एट फर्स्ट ग्लांस एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, एक इडियम है जिसका मतलब है पहली नज़र में, ठीक है। सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है। देखिए, प्लॉजिबल एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि ये चीज प्रोबेबल है, ये चीज बिलीवेबल है, ऐसा हो सकता है, ये चीज रीजनेबल लग रही है, सही लग रही है। इम्प्लॉजिबल का मतलब है ये चीज रीजनेबल नहीं है, हो सकता है ये चीज सही ना हो, ठीक है, इम्प्लॉजिबल का ये मतलब है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। इंजीनियर्ड का मतलब है कि मैकेनिकली उसको इंजीनियर्ड किया गया है। बायोसिस्टम, ठीक है। सचेज का मतलब होता है सचेज के थ्रू हम तुलना करते हैं, सचेज आर, ठीक है। अब देखिए, काफी सारे वर्ड्स हैं इसमें, और देखिए इसमें एक फ्रेजल वर्ब भी यहां पर आया है, कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, होना किसी चीज का। मेयरली का मतलब होता है ओनली,
रैंडम का मतलब होता है जो चीज़ सीक्वेंस में नहीं है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना, बदलना। कितने सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ माने जाएंगे, लेकिन रीडिंग यदि आप करते हैं अच्छे न्यूज़पेपर्स की, अच्छा कंटेंट आप पढ़ते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ये जो बोल्ड पार्ट है इसको आपको देखना है कि ये सही है या नहीं। देखिए, दो तरीके से इसको चेक करना है, एक ग्रामर के हिसाब से और एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ग्रामर के हिसाब से ये है कि इसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं, इसमें ग्रामर सही है या नहीं, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, जिस संदर्भ में सेंटेंस को लिखा गया है, उस संदर्भ में ये जो पार्ट है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए, एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में ऐसा लगता है, इट सीम्स इम्प्लॉजिबल, ऐसा लगता है कि ये अनबिलीवेबल है, मतलब ये अनबिलीवेबल लगता है, इस पर विश्वास नहीं होता। क्या चीज़ अनबिलीवेबल लगती है? ये दैट के बाद हमने यहाँ पर बताया, दैट से एक सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं, इट सीम्स इम्प्लॉजिबल, ये अनबिलीवेबल लगता है। क्या अनबिलीवेबल लगता है? वो हमने यहाँ से एक्सप्लेन किया है, यहाँ से। ठीक है, दैट सच एन इंट्रीकेटली इंजीनियर्ड बायोसिस्टम, कि इस तरीके का इंट्रीकेटली इंजीनियर्ड, इस तरीके का कॉम्प्लिकेटली कॉम्प्लिकेट तरीके से जो बायोसिस्टम को बनाया गया है, सच एज, किस तरीके का? सच एज आर इंजीनियरिंग बायोसिस्टम। सच एज के बाद क्या आएगा? जिस तरीके का बायोसिस्टम हमारा है। तो यहां पर हम आर का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि मैं लिखूं कि इसको एक्चुअली अवर नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं, यदि मैं लिखूं कि अवर हाउस, ठीक है, अवर हाउस को मैं आर्स भी बोल सकता हूं, OURS। जैसे यदि मैं बोलूं कि दिस हाउस, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज अवर हाउस या दिस इज आर हाउस, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं दिस हाउस इज आर्स, यानी ये हाउस, ये मकान हमारा है। आर्स एक पजेसिव केस होता है, आर्स जिसमें एस लगा होता है, जैसे हम बोलते हैं योर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे माए, तो आपने सुना ही होगा माए, माए का क्या मतलब होता है? यदि आप बोले कि माए पेन, तो मेरा पेन, मतलब ये माए क्या है? एक पजेसिव केस है। यहाँ पर मैं मी पेन नहीं बोलूंगा, मैं माए पेन बोलूंगा पजेसन को दिखाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर तुलना हो रही है, सच एज मतलब इस तरीके का इंजीनियर्ड बायोसिस्टम जैसा कि हमारा है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, सच एज आर बोलूंगा या सच एज आर्स बोलूंगा, जैसा कि हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम तो यहां पर लिखा नहीं है, या तो मैं बोलूं आर सिस्टम, ठीक है, अब सिस्टम तो लिखा नहीं है तो इसलिए मैं बोलूंगा आर्स। जैसे या तो आप बोलिए माई बुक, या बोलिए, या तो आप बोलिए दिस इज माई बुक, या बोलिए दिस बुक इज माइन, या तो आप बोलिए दिस इज माई बुक, या बोलिए दिस बुक इज माइन, तो माई बुक और माइंड बराबर है। उसी तरीके से आर सिस्टम एंड आर्स, ये बराबर है। तो यहां पर एक तो आपको आर्स बोलना पड़ेगा, और इंट्रीकेटली से पहले एन लगाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि इंट्रीकेटली क्या है? बॉबल साउंड है, तो बॉबल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं। तो ये होना चाहिए सच एन इंट्रीकेटली इंजीनियर्ड बायोसिस्टम एज आर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें आर्स नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें आर्स है लेकिन यहां पर एन नहीं है तो ये गलत हो गया, यानी इसमें फर्स्ट आपका आंसर होगा। इसमें क्या गलती है? सच एन इंट्रीकेटली इंजीनियर्ड बायोसिस्टम सच एज आर्स, इसमें आर लिखा हुआ है, आर्स नहीं है। एन तो लगा है, एन तो लगा है लेकिन आर्स नहीं है। इसमें देखिए एन भी लगा है और आर्स भी है, तो इसमें केवल पहला सही है और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और इंप्रूवमेंट इसका क्या होगा? फर्स्ट वाला इसका इंप्रूवमेंट होगा, यानी यहां पर आपका जो आंसर बोले बनेगा वो बनेगा ओनली ए, ओनली फर्स्ट, यानी ए इसमें आंसर आपका होगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्लांस में देखने में आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं सेकेंड क्वेश्चन बताता हूँ। मोनू एंड सोनू अटेम्प्टेड टू मेक लाइट देयर डिफिकल्टी, बट इट वॉज ऑब्वियस दैट थिंग्स वर गोइंग बैडली फॉर देम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मोनू एंड सोनू दो फ्रेंड हो सकते हैं, दो भाई हो सकते हैं। अटेम्प्टेड टू मेक लाइट देयर डिफिकल्टी, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी, उनको उनको उनका जो परेशानी का दौर चल रहा था उसको लाइट करने की कोशिश की, बट इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है कि ये क्लियर था, ठीक है, बट इट वॉज ऑब्वियस दैट थिंग्स वर गोइंग बैडली
बैडली फॉर देम, मतलब चीजें जो हो रही थी, मतलब उनका जो समय चल रहा था वो बेकार चल रहा था। अब देखिए, मोनू एंड सोनू अटेम्प्टेड टू मेक देयर डिफिकल्टीज लाइट। इसका क्या मतलब होगा, मेक देयर डिफिकल्टीज लाइट? एक्चुअली ये गलत फ्रेज है। अपनी डिफिकल्टी को उन्होंने लाइट करने की कोशिश की, हल्का करने की कोशिश की। एक्चुअली ये गलत फ्रेज है। सही फ्रेज होता है अटेम्प्टेड टू मेक लाइट ऑफ देयर डिफिकल्टीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि डिफिकल्टी तो बड़ी है, डिफिकल्टी तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ रहे। उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ रहे, उसको ईजी समझ रहे हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे मोनू एंड सोनू अटेम्प्टेड टू मेक लाइट ऑफ देयर डिफिकल्टीज, यानी इसमें सी और थर्ड जो है इसमें सही है, यानी यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ओनली थर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, ये सारे idioms, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि मेक द डिफिकल्टीज लाइट सही नहीं है, मेक द लाइट ऑफ देयर डिफिकल्टी सही है, ये रीडिंग से आपको आएगा, ये सारी चीजें आपको रीडिंग से आएंगी। अब देखिए, ये IBPS SO के क्वेश्चन हैं और ये SBI PO मेंस में, IBPS PO मेंस में, क्लर्क में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस में। तो रीडिंग बहुत जरूरी है, और रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन एंड विद एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस को आप करना चाहते हैं। और डेफिनेटली जितने भी टॉपर्स और रैंकर से आप बात करेंगे उनका एक ही जवाब रहेगा कि वो रीडिंग उन्होंने रेगुलर बेसिस पर करी है। तो इसलिए आप रीडिंग जरूर करें, रेगुलर बेसिस पर करें और एनालाइज करें सारी चीज़ों को। ठीक है, तो देखने में ये क्वेश्चंस टफ लग सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, द ओनली ब्राइट स्पॉट सो फार दिस ईयर फॉर एप्पल इज। अब सपोज आपको ब्राइट स्पॉट का मतलब नहीं पता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ब्राइट स्पॉट का मतलब है कि जैसे जैसे आपका बुरा समय चल रहा है, सपोज एक साल तक आपका बुरा समय चला, लेकिन उसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई, तो उस एक अच्छी चीज को आप ब्राइट स्पॉट बोलेंगे। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, चमकीला। ठीक है, द ओनली ब्राइट स्पॉट सो फार, मतलब अभी तक केवल एक अच्छी चीज हुई है। सो फार का मतलब होता है अब तक, इस साल अब तक केवल एक अच्छी चीज हुई है, किसके लिए, एप्पल के लिए, मतलब एप्पल जो कंपनी है जो आईफोन बनाती है उसके लिए, इज विथ इट्स आईफोन 8 प्लस विच एट 0.4% मार्केट शेयर टॉप्ड अर्ली परफॉर्मेंस फॉर द आईफोन 7 प्लस एंड आईफोन 6 प्लस विच अट्रैक्टेड 0.2% एंड 0.3% मार्केट शेयर रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आईफोन 7 का जो मार्केट शेयर आया वो 0.2% था और आईफोन 6 का 0.3% था। आईफोन 7 पहले आया है तो आईफोन 7 का जो मार्केट शेयर था इसने इतना मार्केट को कैप्चर किया, iPhone 6 ने इतने मार्केट को कैप्चर किया, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है। और iPhone 8 प्लस ने और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया, इसीलिए ये बोला गया है टॉप्ड अर्ली परफॉर्मेंस, मतलब iPhone 8 ने टॉप कर दिया परफॉर्मेंस में, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, iPhone 6 और iPhone 7 को, टॉप्ड अर्ली परफॉर्मेंस का यही मतलब है। तो चूंकि पास्ट की बात हो रही है, हम ये बोल रहे हैं कि इस साल ब्राइट स्पॉट केवल एक चीज थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो टॉप्ड कहना यहां पर सही होगा और अर्ली परफॉर्मेंस भी सही है, टॉप्ड अर्ली परफॉर्मेंस। ठीक है, टॉप्ड अर्ली परफॉर्मेंस का मेड अर्ली परफॉर्मेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिएटेड अर्ली परफॉर्मेंस। तो टॉप्ड का मतलब है कि इसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, किसने, आईफोन 8 ने। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें यहां पर आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे हरीड अप द बूथ बैक एंड वेटेड फॉर द मेल फॉर्म्ड यूथ टू डिस्पर्स। काफी अच्छे वर्ड्स हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब जैसे भीड़ है कहीं पर 100-200 लोग खड़े हैं और वहां पर आप एक पत्थर फेंक दें तो सारी भीड़ वहां से तितर बितर हो जाएगी, या वहां पर आप एक गोली चला दें तो सारी भीड़ वहां से, सारे लोग वहां से तितर बितर हो जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्स। ठीक है, तो दे हरीड अप द बूथ बैक एंड वेटेड फॉर द मेल फॉर्म्ड यूथ टू डिस्पर्स। देखिए यहां पर एक वर्ड और आया है मेल फॉर्म्ड। मेल फॉर्म्ड मतलब जो जो चीज डैमेज हो गई है, खराब तरीके से जिसको बनाया गया है,
मेल फॉर्म्ड का एक मतलब और होता है अनरूली, ठीक है, जो उद्दंड है, अनरूली है, तो उसी के उसी सेंस में मेल फॉर्म्ड यूथ का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो हरी का मतलब है कि किसी जगह जल्दी में जाना, जल्दी करना, वहां जल्दी से पहुंचना। तो हरी, हरी के बाद एक्चुअली अप प्रपोजिशन नहीं आता, इसके बाद हम लगा, क्योंकि क्योंकि कहीं जाते हैं, जब जैसे जैसे आई एम गोइंग फ्रॉम ग्वालियर टू आगरा, ठीक है, तो आई एम गोइंग फ्रॉम ग्वालियर टू आगरा, किसी जगह जाने के लिए, किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसलिए दे हरीड टू द बूथ्स बैक, मतलब जो बूथ होता है, जैसे जैसे टेलीफोन बूथ होता है, बूथ एक छोटी सी दुकान होती है एक्चुअली, कोई भी छोटी सी दुकान, उसको हम बूथ बोलते हैं। तो दे हरीड टू द बूथ बैक, बूथ के बैक पर वो जल्दी से गए और वहां पर इंतजार किया कि वहां पर जो मेल फॉर्म्ड यूथ बैठा हुआ है वो डिस्पर्स हो जाए, वो वहां से भाग जाए, तितर बितर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हम टू द बूथ्स बैक लगाएंगे, हरी के बाद यहां पर ये अप प्रपोजिशन नहीं आएगा, टू द बूथ्स बैक आएगा, फर्स्ट इसमें आपका सही आंसर है। फॉर इसमें नहीं आएगा, फॉर इसमें नहीं आएगा, यहां पर प्रपोजिशन की नॉलेज आपकी चेक हो रही है, इसमें आंसर होगा ए, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इसमें आपका सही है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो IBPS SO का एग्जाम हो या SBIPO मेंस का एग्जाम हो, क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लेकिन आप उन क्वेश्चन को करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्वेश्चन काफी टफ थे, एक्चुअली क्वेश्चन टफ नहीं थे, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे उन क्वेश्चन को करने के लिए, ये है एक्चुअली लॉजिक, और इस तरीके से आपको सोचना होता है। अब देखिए, ऑल्दो आई डू नॉट हैव एनी स्पेशल बॉन्ड विद द रैंक एंड होल्डर ऑफ द लेबर यूनियन, आई नो सम टॉप इंजीनियर्स। इस सेंटेंस का मतलब देखिए, इसमें एक फ्रेज आया है, इसमें एक इडियम आया है, रैंक एंड होल्डर, लेकिन रैंक एंड होल्डर नहीं होता, रैंक एंड फाइल होता है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी लोग, तो रैंक एंड फाइल किसमें है, इसमें रैंक एंड फाइल, देखिए इसमें रैंक एंड फोल्डर है, इसमें रैंक एंड पोर्टफोलियो है, इसमें रैंक एंड फाइल है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी लोग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डिनरी लोग। तो इसमें तो रैंक एंड फोल्डर है, इसमें भी रैंक एंड पोर्टफोलियो, केवल थर्ड में रैंक एंड फाइल है। तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड में रैंक एंड फोल्डर है, रैंक एंड पोर्टफोलियो, रैंक एंड फाइल सही होता है, तो सी ही केवल सही हो सकता है, और यहां पर आपका आंसर होगा ओनली थर्ड, ये इसका आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका सी। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो क्लर्क लेवल के लोग हैं, जो जो लेबर क्लास जो लोग हैं, उनको हम रैंक एंड फाइल बोलते हैं। सॉरी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। लिविंग इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इज सर्टेनली लाइक अ फार क्राई फ्रॉम लिविंग इन द रूरल कंट्री साइड। यहां पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप रीडिंग से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इडियम का यूज हुआ है, अ फार क्राई। देखिए, फार क्राई का मतलब क्या है, फार क्राई का मतलब होता है बहुत बड़ा डिफरेंस होना। जैसे यदि मैं बोलूं कि ए इज फार क्राई फ्रॉम बी, ए इज फार क्राई फ्रॉम बी, मतलब ए जो है वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है बी से, ए जो है वो बी से बहुत ज्यादा अलग है, किसी भी सेंस में, साइज के सेंस में या किसी भी सेंस में ए बी से बहुत ज्यादा अलग है। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि लिविंग इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इज सर्टेनली लाइक ए फार क्राई फ्रॉम लिविंग इन द रूरल कंट्री साइड। एक तरफ आप एक गांव के कोने में रह रहे हैं, और एक तरफ आप न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका की किसी सिटी में, उसके उसके बीच में रह रहे हैं, तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उसी की इसमें बात हो रही है। तो यहां पर जो सही फ्रेज है वो अ फार क्राई फ्रॉम होगा, इसमें लाइक जो है ये इसका कोई काम नहीं है यहां पर, ठीक है। हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इज सर्टेनली अ फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई के बाद हम फ्रॉम लगाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम डिफरेंट के बाद फ्रॉम लगाते हैं, उस तरीके से फार क्राई के बाद भी हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। लाइक तो एक्चुअली सिमिलरिटी को बताता है, तो सिमिलरिटी को हम डिफरेंस के साथ थोड़ी लगाएंगे, फार क्राई डिफरेंस को बताता है, लाइक सिमिलरिटी को बताता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ हम सिमिलरिटी बता रहे हैं, एक तरफ हम डिससिमिलरिटी बता रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्योंकि एक नाउन है, इसलिए ए फार क्राई बोलेंगे,
और चूंकि डिफरेंट के बाद हम फ्रॉम लगाते हैं इसलिए ए फार क्राई फ्रॉम बोलेंगे हम, समझ में आया? तो इसलिए फर्स्ट इसमें सही है और आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट, ये इसमें आपका सही आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चंस फोर्थ कमिंग जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनमें डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। करेंट पैटर्न के ये एसओ के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, इंश्योरेंस के सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, देयर इज लिटिल रूम फॉर फ्री एंड ओपन इंक्वायरी एंड फंडामेंटल वैल्यूज एंड कल्चरल नॉर्म्स रिमेन लार्जली अनक्वेश्चन्ड। यहां पर देखिए एक एक लिटिल का एक कॉन्सेप्ट होता है उसको चेक किया गया है। देखिए एक होता है आपका फ्यू और एक होता है लिटिल। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल है ग्रामर का, लेकिन इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन एक्चुअली वेरिएंट होते हैं इसके। फ्यू में एक्चुअली फ्यू होता है, ए फ्यू होता है और द फ्यू होता है। उसी तरीके से लिटिल में लिटिल होता है, ए लिटिल होता है और द लिटिल होता है। अब इसमें जो फ्यू और लिटिल हैं इनका निगेटिव कॉनोटेशन होता है, इनका निगेटिव मीनिंग को ये कन्वे करते हैं। ए लिटिल, लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, ठीक है। ए लिटिल का मतलब होता है सम, और द लिटिल का मतलब होता है जितना भी वो पूरा का पूरा। तो अब इसका सेकेंड पार्ट आप देखिए कि एंड फंडामेंटल वैल्यूज एंड कल्चरल नॉर्म्स रिमेन लार्जली अनक्वेश्चन्ड। मतलब जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं या कल्चरल नॉर्म्स हैं वो अनक्वेश्चन्ड रहते हैं, वो मोटे तौर पर पूरे तरीके से अनक्वेश्चन्ड रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि वहां पर फ्री एंड ओपन इंक्वायरी के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है। वहां पर फ्री एंड ओपन इंक्वायरी के लिए स्पेस नहीं है। इसका मतलब यहां पर लिटिल जो वर्ड है ये सही है, क्योंकि लिटिल इंडिकेट करता है नेगेटिव क्वालिटी को। समझ में आया है? मैं क्या लॉजिक इसमें आपको बता रहा हूं। यहां पर सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को जस्टिफाई कर रहा है। सेकंड पार्ट हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल वैल्यूज और कल्चरल नॉर्म्स जो रहते हैं वो लार्जली अनक्वेश्चन्ड रहते हैं। दे आर लार्जली अनक्वेश्चन्ड, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि फ्री एंड ओपन इंक्वायरी के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो फ्री एंड ओपन इंक्वायरी के लिए जब वहां पर स्पेस होगा तो कल्चरल नॉर्म्स और फंडामेंटल वैल्यू अनक्वेश्चन्ड नहीं होंगी, फिर तो उनके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चूंकि फ्री एंड ओपन इंक्वायरी के लिए कोई स्पेस नहीं है, इसलिए यहां पर लिटिल जो कि निगेटिव मीनिंग को इंडिकेट करता है सही होगा। यानी यहां पर आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। पहले आपको थोड़ा सा इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करना है, फिर इस तरह के क्वेश्चंस को करना है, और डेफिनेटली आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना आने लगेंगे। पहले आपको इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, हिस्टोरियंस बिलीव दैट मच ऑफ जीसस स्टोरी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ बाइबल एंड विद जस्ट द व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस हु लव्ड Who lived during his time। क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में कि हिस्टोरियन जो है ये विश्वास करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जीसस की स्टोरी को फिर से बनाया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ बाइबल। बाइबल जो क्रिश्चियंस की बुक होती है, जैसे हमारी गीता होती है, गीता या बाइबल की हेल्प के बिना जीसस की स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सॉरी, ठीक है, विद जस्ट द व्यू ऑफ हिस्टोरियन, केवल हिस्टोरियन का व्यू लेके जो जीसस के टाइम में, उस टाइम में जो जिए थे सॉरी उनका व्यू लेके बाइबल की हेल्प के बिना भी जीसस की स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे जैसे जो फेमस बुक्स होती हैं, जैसे गीता है, रामायण है, बाइबल है, इनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये यूनिक आर्टिकल्स हैं, ठीक है। जो यूनिक आर्टिकल्स होते हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें द है, नहीं है द, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। अब द किसमें, विदाउट द हेल्प ऑफ बाइबल, इसमें द नहीं है। विदाउट द हेल्प फ्रॉम बाइबल, इसमें भी द नहीं है। विदाउट द हेल्प ऑफ द बाइबल एंड विद जस्ट द व्यूज, इसमें द है। यानी थर्ड इसमें सही है और आपका आंसर होगा ओनली थर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस कितने सरल लग रहे हैं। आप जब फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को देखते हैं
तो क्वेश्चंस काफी टफ लगते हैं, लेकिन मैंने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करके आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको सिंपल लग रहे होंगे और ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट था IBPS SO 2017 के ये क्वेश्चंस हैं, और आगे के पार्ट्स, आगे के क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पर। इस चैनल पर आप आएँ और इंग्लिश सेक्शन का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, सभी बैंकिंग एग्जाम्स का, सभी SSC एग्जाम्स का, और टॉप क्लास कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इस चैनल पर आप ज़रूर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें इन वीडियो क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।